ट्रेन में पहिए, कार में और बैलगाड़ी में भी। हमारी हल्की सी साइकिल हो या हो हमारे स्केट, भारी भरकम ट्रक हो या हो मशीनें, गोल पहिए तो हम सबके काम आते हैं। लेकिन क्यों क्यों नहीं हम चीजों को धक्का मारकर या घसीटकर चलाते? आज बात यही, लुढ़कने का कमाल, वंडर ऑफ रोलिंग। भार को यहां से वहां ले जाने के लिए बल चाहिए। उल्टा बल घर्षण रोकता है, अटकाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज पर खिसकाने की कोशिश करते हैं तो दोनों चीजों पर घर्षण बल लगने लगता है, और घर्षण तो हमेशा करता है गति का विरोध। लुढ़कने के कमाल को आज समझते हैं खेल खेल में। खेल फूंक और रूलर। खेलने के लिए चाहिए 6 इंच का रूलर और स्ट्रॉ। मेज पर चपटा रखा रूलर भी फूंक से हिलाना आसान नहीं, रोक लिया है घर्षण बल ने। रूलर और मेज के बीच इतना घर्षण कि फूंक का बल हिलाने के लिए कम है। इसी रूलर के नीचे डाली 2 सीकें और फूंका तो बदल गई बात। रूलर वही, फूंक वही, मेज वही, पर अब सीकें लुढ़क रही हैं और रूलर खिसक रहा है। यही तो हम देखते हैं चारों तरफ। ये बैग ऊपर उठाकर या घसीट कर ले जाने के लिए तो भारी, लेकिन पहिया हो तो खींच लेना कितना आसान। विज्ञान का मजा बात समझने में, और समझ प्रयोग के साथ हो तो दूना मजा। हमने लिए हैं बिल्कुल एक जैसे 2 डिब्बे। फर्क बस ये कि एक में पहिए लगे हैं। पहले बिना पहिए वाली गाड़ी में जोड़ा धागा और धागे से बांधा वजन नापने का छोटा सा यंत्र, इसमें भरे कंचे। ध्यान वजन वाले यंत्र पर, जो दिखा रहा है कि गाड़ी को चलाने के लिए करीब 245 ग्राम बल लगाना पड़ रहा है। अब बिल्कुल उतने ही कंचे पहिए वाली गाड़ी में। देखा बल का अंतर, अब सिर्फ 38 ग्राम से कम बल में गाड़ी चली, पहिया लुढ़का और हमारा काम आसान। प्राचीन काल में ही मानव ने लुढ़कने के इस लाभ को जान लिया था। माना जाता है कि आज से कोई 6000 वर्ष पहले पहिए का आविष्कार हुआ। घर्षण से परेशान होगा मानव, चीजों को इधर उधर ले जाने में बहुत बल लगाना पड़ता होगा। शायद समझा होगा कि चीजों को लुढ़काना आसान, इसी समझ से जन्मा होगा पहिया। पहिए के आविष्कार से तो हमारी दुनिया में एक क्रांति आ गई। तो लुढ़कने में ऐसी खास बात क्या है? चीज के लुढ़कने में भी घर्षण होता है, लेकिन उसका नाम अलग, लोटने घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। समझने की बात ये कि लोटने घर्षण चीज को घसीटने से पैदा हुए घर्षण बल से हमेशा कम होता है। हाथों को रगड़ो तो गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा ऊर्जा। जितना अधिक घर्षण उतनी अधिक ऊष्मा। मशीनों के प्रयोग में तो घर्षण बड़ा नुकसान करता है। एक तो ऊर्जा मतलब एनर्जी की बर्बादी, दूसरे मशीनें घिस जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसीलिए तो मशीनों में भी चक्के और पहिए लगे होते हैं, ये भी घर्षण को कम करके ऊर्जा बचाने और मशीन को घिसने से बचाने का तरीका।
हो जाए एक और प्रयोग। दो तश्तरियां इस तरह, ऊपर किताबें, घुमाया तो घूमी पर दोनों तश्तरियों के बीच घर्षण ने जल्दी रोक लिया। अब डाले कंचे, वही तश्तरियां, वही किताबें और वही बल, लेकिन इस बार घर्षण कम, क्योंकि यहां है लोटने घर्षण। इस प्रयोग को देखकर आप समझ गए होंगे कि मशीनों में गोल छर्रे, जिन्हें बॉल बेयरिंग कहते हैं, क्यों डाली जाती हैं। मशीनें कम घिसती हैं और ऊर्जा भी बचती है। साइकिल के पहिए में बॉल बेयरिंग तो जरूर देखी होगी आपने। तो समझ गए ना, चीजों को घसीटने की जगह लुढ़काने में समझदारी क्यों। तो देखते हैं लुढ़काने का कमाल एक बार और। चीजों को घसीटने में अधिक बल लगता है, लुढ़काने में कम। लुढ़काने में लोटने घर्षण बनता है, जो घसीटने से पैदा घर्षण से कम होता है। पहिए का सिद्धांत लोटने घर्षण का कम होना ही है। पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी। मशीनों में बॉल बेयरिंग ऊर्जा की हानि बचाती हैं और मशीनों को घिसने से बचाती हैं। और अब आपके लिए प्रश्न, जरा सोचो कि पहिए गोल ही क्यों होते हैं, तिकोने या चाकोर क्यों नहीं हो सकते? तिकोने या चाकोर पहिए को किस तरह की सतह पर चलाया जा सकता है? आपके लिए आज यही काम, बनाओ अलग अलग आकार के पहिए और उन्हें चलाओ अलग अलग तरह की सतह पर। खुद खोज करो और वीडियो बनाकर शेयर भी करो। भार को सरकाना था एक भारी काम, थक जाता था रुक जाता था मानव का सब काम। फिर उसने बुद्धि से किया अनोखा काम, पहिए का आविष्कार किया, लुढ़काना था आसान। लुढ़काने से होता घर्षण बल है कम, सरकाने में इसीलिए लगता है बहुत दम।